विजय भैया चिराग पास कौन दिया? हम दिए? दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। वीडियो देखे आप लोग? आप लोगों को क्या लग रहा है, हम भाषण दे रहे हैं, हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, इन्हें की मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है? देखिए, कल 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। जमुई सीट में मतदान है, जमुई सीट जहां से अरुण भारती प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान के जीजा। अब वहां का एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो में राजद समर्थक जो हैं, राजद के जो कार्यकर्ता हैं, वो चिराग पासवान और उनकी जो माताजी हैं रीना पासवान, उनको भद्दी भद्दी गालियां बक रहे होते हैं। ये वीडियो काफ़ी वायरल होता है, चिराग पासवान को झटका लगता है, चिराग पासवान दुखी होते हैं। चिराग पासवान कहते भी हैं कि अगर इस तरीके का मेरा कोई कार्यकर्ता यानी लोजपा रामविलास का कोई कार्यकर्ता अगर राबड़ी देवी के बारे में कहता या लालू प्रसाद यादव के बारे में कहता या बहन मीसा भारती के बारे में कहता तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देते, उसे हम पार्टी से निष्कासित करते और कई तरह की उस पर कार्रवाई करते। लेकिन राजद क्या कर रही है, अब तेजस्वी यादव को इस पर सफाई आता है, वो सफाई भी आपको हम सुनवाएंगे, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे जिसमें गाली गलौज किया जा रहा है, फिर आप खुद तय कीजिएगा कि सच्चाई है क्या। तेजस्वी यादव का कहना है कि दरअसल कोई मामला इस तरह का होता है ये हमारे संज्ञान में ही नहीं आया है, चुनाव है कोई भी कुछ कह सकता है। आपको हम दोनों वीडियो दिखाते हैं, पहले सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें कितनी गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां बकी जा रही हैं चिराग पासवान और उनकी माता जी को लेकर। विजय भैया चिराग पासवान अब आपको हम दूसरा वीडियो भी सुनाएंगे। दूसरा वीडियो में तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं, नीट एंड क्लीन बता रहे हैं खुद को, हालांकि इस मामले को लेकर अब केस तक दर्ज हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको हम तेजस्वी यादव के बयान से रूबरू कराते हैं, सुनिए तेजस्वी यादव को। कौन दिया? हम दिए? दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था, तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है, ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगर क्यों बनाना है? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है, वीडियो देखे आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है, हम भाषण दे रहे हैं, हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, इन्हें की मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है भाई? फिर इसमें क्या लेना है? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन रात। हाँ, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार, 17 साल से उनकी डबल इंजन की सरकार, उनके सांसद, उनके विधायक, फिर भी जंगल राज वारे भाई, ये अपने ही सरकार को कोस रहे हैं क्या? अरे दुखद खबर है, इसमें जो भी प्रशासन है उसको इस मामले को देखना चाहिए और आर्थिक सहयोग जो है लोगों को करना चाहिए। क्या चीज देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारे आदरणीय हैं और हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि उनके दल में जो 2-4 लोग हैं उनके वजह से जो है उनकी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब समय आएगा, अभी तो ये स्थिति नहीं है कि उनकी हम आलोचना करें, लेकिन जब समय आएगा तो हम जब किताब लिखेंगे तो इस किताब में उन लोगों का भी जिक्र करेंगे कि कौन लोग जो है
बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आप लोग तो जानते हैं, हम तो उनके बेटा की तरह हम उनके साथ खड़े थे, लेकिन कुछ लोगों को ना गवारा लगा उनके दल में जो दो तीन लोग हैं। हालांकि हमारी पूरी सहानुभूति उनके प्रति। अब जो जनता है ये खुद तय कर ले कि मंच के ठीक सामने, मतलब तेजस्वी यादव आराम से जिस तरीके से गालियां बकी जा रही हैं बिल्कुल ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है, लेकिन तेजस्वी साफ इनकार कर रहे हैं। और अगर तेजस्वी को सुनाई नहीं भी दिया तो सवाल ये उठता है कि तेजस्वी ऐसे व्यक्ति की शिनाख्त क्यों नहीं करवाएं, और बोल किसके बारे में रहा है वो व्यक्ति, वो राजद का कार्यकर्ता जो है, कई उसमें कार्यकर्ता हैं। चिराग पासवान के बारे में, अब देखिए चिराग पासवान के बारे में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, बेहद संवेदनशील, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, क्या बोलना है इससे ज़्यादा अच्छे से उन्हें पता होता है कि क्या नहीं बोलना होता है, बैलेंस टॉक करते हैं। आज तक बिहार की राजनीति में अगर सबसे सदा हुआ बात कोई कर रहा है अभी के डेट में तो वो चिराग पासवान है। गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है, जबकि सबसे अधिक उनके ही परिवार को तोड़ा गया, खुद उनके चाचा उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किए, बावजूद इसके चिराग ने कभी अपने भाषा की मर्यादा को नहीं लांगा। और ना सिर्फ चिराग, ये क्रेडिट उनकी पार्टी को भी देना होगा, उनकी पार्टी आज तक किसी भी तरह के विवादित बयान में फंसी ही नहीं है, बावजूद इसके जिस तरीके के भाषा का प्रयोग किया गया है तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से और तेजस्वी यादव के सामने किया गया है, ये हमने आपको विथ प्रूफ दिखाया है, तो आप खुद तय कर लीजिए कि सच्चाई क्या है। हालांकि अब इस मामले में केस दर्ज हो चुका है, जमुई निर्वाचन आयोग को भेजा गया है कि जमुई जिला के जमुई लोकसभा के अंतर्गत इस तरीके का बात चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक पत्रकार होने के नाते हम भी कहते हैं फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई किसी नेता के ऊपर इस तरीके से निजी टिप्पणी नहीं गाली गलौज करे। आप खुद तय करिए कि सच्चाई क्या है, कौन गलत है और कौन सही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।